नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विप्लव और द ट्रैवलिंग बॉन्ग के एक नए फूड ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धूप थोड़ी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा पीछे आ जाता हूं। तो आज एक्चुअली एक नया आउटलेट बहादुरगढ़ में ही लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो बहुत ही टेस्टी टेस्टी नॉन वेज खिलाता है। ऑल्दो इनका वेज भी अच्छा है लेकिन नॉन वेज के लिए ये काफ़ी फेमस हो गए हैं बहुत कम टाइम में। तो आइए दिखाते हैं एग्जैक्टली कहाँ आए हैं, कौन सी लोकेशन है, इनके जो आउटलेट है इसके ओनर के साथ बात करेंगे, आउटलेट के बारे में जानेंगे, उनकी कुछ बहुत बेहतरीन डिशेस जो वो सर्व कर रहे हैं, टाइमिंग्स, लोकेशन, सब चीज़ के बारे में जानेंगे और सबसे मेन काम फूड टेस्टिंग वो भी करेंगे। देखेंगे कौन कौन सा खाना कैसा कैसा है, प्रिपरेशन भी दिखाएंगे और टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कैसा है खाना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आउटलेट कौन सा है और कहाँ आए हैं। तो आज हम लोग आए हैं चाचा दा चिकन कॉर्नर। ये बेसिकली नारनारी रोड बहादुरगढ़ में एकदम मेन रोड पे है। सो प्लीज़ बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है उससे बेयर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ है क्योंकि मेन रोड है तो गाड़ियाँ चलेगी, यहाँ ट्रक्स वगैरह हैवी व्हीकल्स भी चल रहे हैं, तो प्लीज़ बेयर विद दैट। तो चलिए चलते हैं एक आउटलेट में और इनके ओनर से बात करते हैं आउटलेट के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आइए, अब हम आपके सामने लेके आ गए हैं चाचा द चिकन कॉर्नर के जो ओनर हैं उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं इस आउटलेट के बारे में और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे द ट्रैवलिंग बॉन्ग पे। जी थैंक यू सर। तो सर आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम दीपक कुमार है जी। ओके जी। तो सर ये जो आउटलेट है इसके बारे में थोड़ा बताइए, कितने दिन हो गए इस आउटलेट को और इससे पहले आप क्या करते थे? सर इससे पहले मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर था, एज ए गवर्नमेंट सिविल कॉन्ट्रैक्टर, बट मेरा काफ़ी दिन से प्लान था कि मैं कोई फूड इंडस्ट्री में आऊँ, तो काफ़ी दिन से सोच भी रहा था और ट्राई भी कर रहा था, लेकिन एक जो टाइम होता है ना उस चीज़ के लिए मैं वेट करता था कि ऐसा टाइम आए ताकि मैं इस लाइन में एंट्री कर सकूँ, और तो काफ़ी मेहनत के बाद में मैंने इस लाइन में फिर एंट्री की है। तो ये जो आउटलेट है ये कितना पुराना हो गया? सर 24 अगस्त 2020 को इसकी ओपनिंग की थी, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो गए इस चीज़ को। और 4 मंथ का मैं अगर पूछूँ, क्योंकि देखिए सिविल कॉन्ट्रैक्टर से फूड इंडस्ट्री में आना एक बिल्कुल ऑल टुगेदर एक टोटल एक न्यू एक्सपीरियंस है, तो कैसा रहा 4 महीने का एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा रहा, कस्टमर का रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है मेरे को, बहुत उनका प्यार मिल रहा है मेरे को, और सारी बात छोड़ के एक तरफ जाएं तो कस्टमर जब आकर बोलता है कि सर बहुत अच्छी डिश लगी हमें, तो चलिए ये चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए हम यही उम्मीद करते हैं कि जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं या जो फूड इंडस्ट्री में, वो हमेशा अगर कस्टमर के लिए ये सोचेगा कि भाई हमें उनको अच्छा खाना देना, तो डेफिनेटली वो रेस्टोरेंट कभी भी बंद नहीं हो सकता या उसमें काम कभी कम नहीं होगा, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ही करेगा। तो सर थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये जो आपका आउटलेट है इसकी लोकेशन के बारे में अगर कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? सर ये अपना मेन नारनारी रोड पर है, ये नियर सीएम हॉस्पिटल आरआर हॉस्पिटल है और ऑन द रोड पे है ये, और एड्रेस तो वैसे नेताजी नगर गली नंबर 2 लाइन पर है, लेकिन लैंडमार्क के तौर पर आप जाएंगे तो नियर सीएम हॉस्पिटल आरआर हॉस्पिटल उसके पास में ही है। ओके। और टाइमिंग क्या रहती है आउटलेट? सर 11 AM to 11 PM। 11 AM to 11 PM मतलब लंच डिनर दोनों ही चीज़ें करते हैं? जी जी तो जी। आप यहाँ पे सब नॉन वेज वेज दोनों ही करते हैं? सर बहुत सारा अवेलेबल, वेज और नॉन वेज बहुत सारा अवेलेबल। तो चलिए बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर लोकेशन का मैं थोड़ा और एलाबोरेट कर देता हूँ कि अगर हम लोग बहादुरगढ़ सिटी से आ रहे हैं तो जो फ्लाईओवर है नारनारी रोड का, उसे जैसे ही हम क्रॉस करते हैं थोड़ा सा आगे आएंगे शिवम राइट साइड पे, शिवम आरआर हॉस्पिटल जस्ट उसके बाद वाली गली के ही स्टार्टिंग में आपको चाचा दा चिकन कॉर्नर मिलेगा। तो दीपक जी एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, ये चाचा दा चिकन कॉर्नर में चाचा कौन है? चाचा सर मेरे छोटे चाचा हैं सर। ओके okay. जी जी जी। तो मतलब बेसिकली आप और आपके चाचा दोनों मिलके ही मिलकर? हाँ जी जी, हम दोनों मिलकर, और मैं अपने चाचा से आपको मिलवाता हूँ। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए अब हम मिलेंगे चाचा द चिकन कॉर्नर के असली चाचा जी से जी। तो चलिए मिलते हैं। तो पेश है हमारे सामने द चाचा चिकन कॉर्नर के चाचा जी। तो चाचा जी आपका शुभ नाम क्या है?
देवेंद्र नाम है जी मेरा। देवेंद्र जी, तो देवेंद्र जी आप जो हैं आप भी किसी और इंडस्ट्री से आए हैं या आप भी फूड इंडस्ट्री में ही काम कर रहे थे? सर ये फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा था मैं। आप पहले से फूड इंडस्ट्री में ही काम कर रहे थे, तो चलिए बहुत अच्छा है। देवेंद्र जी और इनके जो भतीजे हैं नेफ्यू, वो दोनों ही हैं दीपक और देवेंद्र जी, दोनों मिलके ये आउटलेट चला रहे हैं। 12 बजे से 11 बजे तक अगर आप नारानाई रोड से जा रहे हैं या आप लाइन पार एरिया बहादुरगढ़ में रह रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लंच और डिनर का। बाकी खाने की क्वालिटी जो प्रिपरेशन है या टेस्ट है वो मैं आगे आपको बता ही दूंगा। तो चलिए अब सीधा चलते हैं खाने की प्रिपरेशन पे। पहले आपको प्रिपरेशन दिखाएंगे, उसके बाद खाना टेस्ट करेंगे और आपको रिव्यू देंगे। तो चलिए चलते हैं। ओके, ये हम क्या बना रहे हैं? पटियाला चिकन। पटियाला चिकन, तो चलिए देखिए पटियाला चिकन। सबसे पहले घी चला गया, उसके ऊपर हम डालेंगे जीरा, जीरा चॉप्ड अदरक और लहसुन, ये हमारी चली गई चिली, प्याज कटी हुई प्याज, देखिए इसको थोड़ा भून लेंगे हम थोड़ी देर के लिए जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए। प्याज जो है वो भुन चुकी है, इस पर हम डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। पहले हमने जिंजर और गार्लिक कटे हुए डाले थे, उसके ऊपर हमने हल्का सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और यहाँ हो गए चॉप्ड अनियन टमाटो, कसूरी मेथी, कसूरी मेथी गई, गरम मसाला, काली मिर्च, काले मिर्च पाउडर, चिकन मसाला, सॉल्ट, लाल मिर्च, देगी मिर्च। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने क्वांटिटी वाइज इनका रेशियो ले लीजिएगा। अब हम मसालों को डाल चुके हैं, अब थोड़ा भून लेंगे। अब हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में, जस्ट कि ये जो मसाले हैं वो थोड़ा उसमें रम जाए। ये चले गए चिकन हमारे, तो ये बेसिकली आपके हाफ कुक्ड चिकन होते हैं, हाफ कुक्ड होते हैं। पटियाला चिकन की क्वांटिटी देख लीजिए, क्वांटिटी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा है हाफ के मुकाबले। इसमें एक स्मॉल फैमिली आराम से अपना लंच या डिनर कर सकती है, दो बंदे आराम से खा लेंगे। तो ये बन रही है पटियाला चिकन की जो स्पेशल मसाले पड़ रहे हैं, जो किसी भी चिकन नॉर्मल चिकन डिश को पटियाला चिकन डिश में कन्वर्ट करे उसके लिए कुछ स्पेशल मसाले पड़ते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ चले गए हमारे गार्लिक के क्लोव, ये थोड़ा सा जीरा, गार्लिक यहाँ पे साबुत यूज की गई है गार्लिक, इसके साथ ही शिमला मिर्च और प्याज मीडियम कटे हुए, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं। ये गई काजू की ग्रेवी जो बहुत हल्का सा पानी डाल दिया ताकि उसको मिक्स हो जाए फिर। देख सकते हैं क्या मस्त बन गया है। ये गया मसाला चिकन ग्रेवी के अंदर, अब ये बन गया पटियाला चिकन। फाइनल टच रोगन डाल दिया जा रहा है, ये टेम्प्टिंग बन गया है। ओए होए होए होए,
कसम से यूट्यूब के थ्रू मैं आप तक स्मेल नहीं पहुंचा सकता, बट इट्स ऑसम। स्मेल बहुत ऑसम है, टेस्ट थोड़ी देर में बात बता ही रहा हूँ, ठीक है। स्मेल से पता चल जाता है खाने की क्वालिटी कैसी है। श्रीराम काली, क्या बात है, बहुत ही धार्मिक सा फील हो रहा है मेरे को। तो ये बताइए, थोड़ा आप आगे आ जाइए। तो श्रीराम जी बताइए, खाना कैसा लगा? खाना जी बहुत बढ़िया लगता है, हम तो कल भी खा गए थे, आज भी आएंगे, भरा पे रहते हैं। क्या बात है, चिकन हमने खाया नहीं कभी। तो ना भाई बहुत इतना मजा आता है इस बड़े पे खाने। तो आप यही देख सकते हैं, अगर अगर डेली लोग आ रहे हैं खाना खा रहे हैं तो ज़रूर क्वालिटी उस हिसाब की होगी। तो डेफिनेटली बढ़िया का गला भाजी एकदम मस्त है। बहुत हमें अच्छे रिव्यू मिले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आगे हम भी अच्छा रिव्यू आपको दें। तो चलिए अब हम अपना खाना खाते हैं और उसका रिव्यू आप तक पहुँचाते हैं। फाइनली खाना जो है वो आ चुका है अपने वेट के बाद। अब आजकल के टाइम पे सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे पहले मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी चीज़ को, बट सैनिटाइज़र। ये हमारे जिम का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया आज के टाइम। हाथ सैनिटाइज कर लिए हैं, तो सबसे पहले ये है पटियाला चिकन, आप देख सकते हैं इसके प्रिपरेशन मैंने आपको दिखाई। इसके ऊपर बॉइल्ड एग से गार्निश किया गया है, बहुत ही लाजवाब। तो चलिए थोड़ा सा अपने प्लेट में डालते हैं। साथ में ऑर्डर की है मिस्सी रोटी, तो चलिए मिस्सी रोटी भी काफ़ी अच्छी, मतलब मज़ा प्याज व्याज है, बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, मिस्सी रोटी काफ़ी जगह की बहुत हार्ड हो जाती है, तो यहाँ पे सॉफ्ट है। चलिए टेस्ट करते हैं पटियाला चिकन। For the reviews, चिकन बहुत सही है। और इसमें जो एक्स्ट्रा हमने प्रिपरेशन में दिखाया था, जो ऊपर से शिमला मिर्च गई है, उसका क्रंच बहुत अच्छा आ रहा है। थोड़ा देखिए चिकन, देखिए ड्राई, अल्टीमेट सॉफ्ट है, अल्टीमेट सॉफ्ट है, जबरदस्त। तो भैया ने जैसे रेकमेंड किया था कि पटियाला चिकन काफ़ी फेमस है, पता चल गया क्यों फेमस है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। और डेफिनेटली आप आएँ पटियाला चिकन ट्राई कर सकते हैं। लाइन पार में बहादुरगढ़ लाइन पार के एरिया में मैं आज तक शायद कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई, उसका कारण यही था कि मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकूं। फाइनली एक जगह मिली है मुझे, टेस्ट एक नंबर,
प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है। ये हाफ प्लेट है, हाफ प्लेट पटियाला चिकन का कॉस्ट कितनी है? 260 रुपये। ये क्वांटिटी 260 रुपये, मोर देन है ना, बहुत अच्छी क्वांटिटी है। इसमें मेरे ख्याल से 2-3 बंदे आराम से अपना लंच या डिनर कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा जो हांडी चिकन है ये दम में पकता है, और ये देखिए, ओए होए होए, इसमें दालचीनी की एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दालचीनी इसमें, दालचीनी पड़ती है ना जी? दालचीनी, स्टार फूल, बड़ी इलायची, मतलब जैसे खड़े मसालों का यूज बहुत ज्यादा ही है ना। हाँ, क्योंकि इसे जैसे ही आपने ढक्कन खोला ना, मेरे को सबसे पहले दालचीनी की एक बहुत अच्छी खुशबू आई। तो देखिए, छोटी इलायची। और इसे बनाने में मतलब कितना टाइम लगता है? कम से कम जी इसमें 20-25 मिनट लगता है। और पूरा मतलब दम में पकाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। उसके अलावा प्रिपेयर और प्रिपरेशन में और टाइम लगता है? एक घंटा और चाहिए। चाहिए तो अगर आपको यहाँ पे कोई ऑर्डर करता है तो उसको कितनी देर में आप प्रिपेयर करके दे दोगे? सर उसको कम से कम 1.5 घंटे के लिए उससे पहले बोलना पड़ेगा। ओके, तो ये एक चीज़ है कि हांडी चिकन अगर आपको खाना है, जो स्पेशलिटी है इनकी, तो वो इनको आप 1-1.5 घंटा पहले फ़ोन करके बता दीजिए। आप जब आएंगे एकदम रेडी मिल जाएगा आपको। और यार देख के तो बहुत बढ़िया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये तो आप आएंगे ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि जैसे ही इन्होंने ढक्कन खोला ना, मुझे खड़े मसाले जो हैं स्पेशली दालचीनी की बहुत अच्छी खुशबू आई। तो आप आए और अभी चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। तो दोस्तों, प्रिपरेशन मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से ये दम में पकता है और 1-1.5 घंटे का टाइम इसको लगता है। तो चलिए इसको खाया जाए और खाके जो है टेस्ट आप तक बताया जाए। सबसे पहले तो आप इधर आइए, ये देखिए चिकन भाई, चिकन की क्वालिटी एक नंबर है, बहुत सॉफ्ट है। और ये बहुत जनों को ये बहुत अच्छा लगता है। ये पूरा का पूरा लहसुन है, एक होल गार्लिक क्लोव जो है इसमें बनने में प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ हुआ है। और देखिए चिकन की सॉफ्टनेस ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। तो मैं रोटी के साथ बाद में खाऊंगा, पहले तो एक बाइट वैसे ही लेता हूँ। खड़े मसाले होने के बावजूद मिर्च का लेवल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये चीज़ होती है कि टेस्ट टू टेस्ट डिफर करता है लोगों का। बहुत लोग खड़े मसाले थोड़े प्रेफर नहीं करते, लेकिन जो नहीं करते उनको भी मैं कह रहा हूँ एक बार इसे ट्राई करो। ये आपका है स्पेशल कढ़ाई चिकन, राइट? हांडी चिकन, ओके। ये है हांडी चिकन। तो डेफिनेटली इसमें जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया कि खड़े मसालों का यूज़ बहुत अच्छा हुआ है। स्पाइस लेवल ये भी इसे थोड़ा स्पाइसी बोलूँगा, जो आपका पटियाला चिकन है उससे थोड़ा हल्का स्पाइसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं खा पाए, बच्चे इसे भी खा सकते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा है, जैसे उसमें हमने नॉर्मल मसाले यूज़ किए थे, इसमें खड़े मसाले यूज़ हुए हैं। जो आप इसको आप सामने प्लेट रखते हैं तभी पता चल जाएगा कि खड़े मसालों का इस्तेमाल किया गया है इसमें। इसे जैसे जब मैंने प्रिपरेशन हो रही थी तभी मैंने दिखाया, डक्शन खोलने के साथ एक दालचीनी का जो फ्लेवर आया ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त। तो चलिए मैंने दोनों डिश ट्राई की, अब मेरे लिए एक पजल है कि मैं कौन सा छोड़ के कौन सा आपको सजेस्ट करूं। लेकिन डेफिनेटली दोनों ट्राई कर सकते हो तो दोनों कर लो, आप निराश नहीं होगे। चिकन की सॉफ्टनेस बोलो, टेस्ट बोलो, दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं। पटियाला चिकन और हांडी चिकन, एक बार में कोई भी आए खाएगा तो अगली बार चाचा दा चिकन कॉर्नर पे ही आएगा, ये तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा है। तो चलिए अब मैं टेस्ट एंजॉय कर लेता हूँ, खाता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों, खाना हमने खा लिया है, खाने का क्वालिटी वाइज आपको दिखाया है कि बहुत अच्छी क्वालिटी में जो है ये लोग खाना आपको सर्व कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ एक प्राइस पॉइंट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है,
मैंने दिखाया जो पटियाला चिकन था वो जस्ट 260 रुपीज़, और 260 रुपीज़ में ये क्वालिटी और ये क्वांटिटी भाई ज़बरदस्त है। तो आप लोग आसपास जो भी रहता है लाइन पार्क एरिया में या लाइन के उस तरफ से भी बहादुरगढ़ सिटी में, वो एक बार ज़रूर आए, एक बार ट्राई करेंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ आप दोबारा ज़रूर आएंगे। और हाँ, खाना इनका अच्छा है। अब न्यू ईयर आने वाला है तो काफ़ी जने पार्टीज भी प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो एक छोटी पार्टी का यहाँ से जो है ऑर्डर कर सकते हैं छोटी पार्टी के लिए, तो ये प्रिपेयर करके वहाँ पे डिलीवर कर देंगे। तो उसके लिए मैं नंबर जो है इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं और वहाँ पे आप नंबर लेके इनसे बात कर सकते हैं। खाने की क्वालिटी मैं फिर दोबारा कहता हूँ, खाने की क्वालिटी एक नंबर है। डेफिनेटली आप लोग आए, मेरा सजेशन है आप लोग एक बार ज़रूर आए। मैं रेकमेंड कर रहा हूँ इस जगह को, ये बहुत अच्छा टेस्ट जो है आप लोगों को मिलेगा। हमने दो डिशेस खाई, अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पास वेज भी है और नॉन वेज का जो टेस्ट देखा वेज में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी है। और आप लोग आओ, आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक नए फूड ब्लॉग के साथ फिर दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक द ट्रैवलिंग बॉन्ग साइनिंग ऑफ।